Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let. Hello, guys, welcome back to my new video. तो ये देख सकते हैं आपके सामने, ये है बजाज की पल्सर 125। काफ़ी डिमांडेबल बाइक है, मतलब पल्सर का जो ओल्ड टच है वो इसमें पूरा पूरी दिया गया है आपको। अभी 125 सीसी में जो लेने वाले हैं वो इसमें ऊपर जा सकते हैं। काफ़ी बेस्ट बाइक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये बाइक बेस्ट कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट से। तो ये देख सकते हैं इसका फ्रंट, ये देखने में काफ़ी एग्रेसिव लुक है इसका 125 सीसी में, मतलब ऐसा कोई नहीं देता है इसका बाइक में, बजाज की पल्सर जो 150 सीसी में जिसका जैसे इसका लुक है वो 125 में आपको दे देती है। काफ़ी अफोर्डेबल बाइक है ये। तो आप देख सकते हैं अभी जो जो बाकी सब गाड़ी आपको LED लाइट में दे रही है, लेकिन अभी ये जो पल्सर है ये आपको हैलोजन लाइट दिया जाता है इसमें आपको, क्योंकि माना जाता है कि LED लाइट से अभी जो 125 सीसी में जो LED लाइट आ रही है उसमें उतना बढ़िया इंटेंसिटी नहीं है उसका, तो हैलोजन में काफ़ी बढ़िया इंटेंसिटी होता है, तो बजाज ने इसको प्रिजर्व करके रखा है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और बात करें इसकी ब्रेकिंग की, तो ये देखिए ये है डिस्क, इसमें डिस्क आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये MRF की आपको टायर मिल जाती है, ये 80x100 सेक्शन की टायर है ये पल्सर की। कितनी बढ़िया सी इसकी ग्राफिक्स, ये चिपकाया हुआ है आपको, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा यही खराबी लगती है कि इसमें थोड़ा सा ये चिपका क्यों हुआ है, कभी कभी उखड़ जाती है, कोई कोई बोलता है कि इसमें ये उखड़ जाती है बाद में। ये 125 का लोगो है, काफ़ी देखने में बढ़िया लगती है भाई। और उसकी बात करें अब इसकी डिजिटल मीटर की, तो इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर तो नहीं दिया जाता है ये, इसमें आपको ये RPM दिखता है इसमें, और इसमें आपको ये सब कुछ दिखता है। और ग्रैब रेल की बात करें तो ये देखिए, ये पहले जैसे ये हाई बीम लो बीम, ये पास लाइट, ये टर्न इंडिकेटर, और ये हॉर्न, और ये है ये किल स्विच, इसमें ये इग्निशन। सबसे यूनिक चीज़ इस गाड़ी में ये बात है कि अभी देखिए जैसे कि सारा बाइक में 125 सीसी में ये FI इंजन देती है, लेकिन इसमें अभी भी कार्बोरेटर का वही पुराना सिस्टम दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको पल्सर फुल्ली कार्बोरेटर नहीं कहती है, यह है इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर। इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, देखिए इसके 125 सीसी का इंजन इसका, ये काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी मस्कुलर देखने में लगता है इसका। तो बात करें इसकी इंजन की, यह है 4-stroke 2-valve DTSI कार्बोरेटर इंजन है ये। बात करें इस गाड़ी की पावर के बारे में, तो आपको ये 10.9 की पावर निकाल देगी, और अगर टॉर्क की बात करें तो 11.8 की पावर टॉर्क निकाल देती है। टॉर्क के मामले में बहुत अच्छी है बाइक। और अब बात करें इसके गियर की, तो ये है 5 गियर बॉक्स के साथ आएगा, मतलब आगे एक और पीछे 5 गियर मिलेगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पर पीछे की। अब अगर हम टायर की बात करें तो ये देखिए इसकी टायर, इसमें आपको लाइलॉन की ट्यूबलेस टायर मिलेगी आपको जो 100x80 सेक्शन की है, तो इतनी मोटी तो भाई 125 सीसी में शायद ही कोई बाइक दे। एकमात्र पल्सर ही है जो इतनी मोटी रियर टायर देती है, जो ब्रेकिंग में थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी ब्रेकिंग में थोड़ी सी काफ़ी एफिशिएंसी दिखाती है ये, ग्रिप अच्छी बनती है, चिपक कर चलती है। पल्सर की ये खासियत है कि इसके जो वेट है, वेट के हिसाब से ये जो रोड में एकदम चिपक कर चलती है, बैलेंसिंग आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी पल्सर की बाइक में। जैसे कि 125 सीसी में और भी है, जैसे कि SP125 है, राइडर है, ग्लैमर है, ये बाइक सब उतनी बढ़िया रोड में चिपक कर चलती नहीं है हाई स्पीड में भी, लेकिन पल्सर काफ़ी बढ़िया चलती है। हालांकि इसकी थोड़ी सी इंजन साउंड में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम लगती है इसकी, ये बाकियों की 125 सीसी के सेगमेंट के हिसाब से इसकी माइलेज भी थोड़ी कम है, ये 51 की कंपनी क्लेम करती है सिटी में, और हाईवे पे 57। जो फ्यूल एफिशिएंसी मेरे हिसाब से बहुत थोड़ी सी कम है 125 सीसी के सेगमेंट में, बाकी के मुकाबले देखिए जैसे कि आपको SP125 मिल जाती है उसमें आपको 65 तो आराम से आपको 60-65 तो आपको तो आराम से मिल जाएगी सिटी में, और हाईवे में तो थोड़ा और भी ज़्यादा मिलती है। राइडर की बात करें तो राइडर भी आपको इसी के आसपास दे देती है,
और ग्लैमर की बात करें तो ग्लैमर भी आपको 60 दे देती है आराम से सिटी में। तो बाकी के मुकाबले इसकी थोड़ी सी माइलेज में थोड़ी सी कंपनी को वर्क करना चाहिए। पावरफुल तो बना दी है इस बाइक को, लेकिन थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी कम है इसकी। बात करें इसके सीट के कंफर्ट के बारे में, तो आप देख सकते हैं ये सीट, ये दो वेरिएंट में आती है। ये है जो लंबा सीट आती है, और आपको दिखा देते हैं आपके सामने, ये है जो स्प्लिट सीट। इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाती है, इसमें ये स्प्लिट सीट मिलती है आपको। तो आपके पास चॉइस है कि आप लंबा सीट लेंगे या फिर स्प्लिट सीट लेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग इस बाइक पे अभी। देख सकते हैं इसकी सीट की, जो सीट की थोड़ी सी चौड़ाई हमको कम लगती है। मैं एसपी ऑन करता हूँ, एसपी 125, तो उसके मुकाबले इसकी सीट की चौड़ाई थोड़ी कम है। कुशनिंग बड़ी बहुत बढ़िया है इसकी, ये देख सकते हैं। पिलियन के लिए भी बढ़िया है, और राइडर के लिए तो बढ़िया ही है। अब बात करें इसकी टैंक की कैपेसिटी की, तो ये 12 लीटर की ऑयल आप में इसमें आ जाएगी। 12 लीटर की इसमें कैपेसिटी है, 12 लीटर पेट्रोल भर सकते हैं आप। और देख सकते हैं सब बाइक में ऐसा आपको टैंक पैड नहीं मिलता, लेकिन आपको पल्सर 125 में आपको टैंक पैड मिलता है। आप यहाँ पर बैठते हैं, ये टैंक घिसने का थोड़ा सा घिस के थोड़ा सा रंग उखड़ जाता है, इसलिए इसमें इनबिल्ट आपको ये मिलता है। आपको काफ़ी मस्कुल लगती है देखने में। इसमें आपको यहाँ पर ऑयल का ही है। तो ये तो था दोस्तों टैंक के बारे। अब आपको बैग लेके चलते हैं। तो ये है बैग इसका, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है बाइक आपको। ये एलईडी लाइट में दिया गया है, अभी मेरे पास चाबी नहीं है, नहीं तो चाबी होने से आपको और बढ़िया से दिखा सकते थे आपको हम। ये एलईडी टेल लाइट है, पल्सर की जो ओल्ड वर्जन में आती थी वो अभी भी इसी में आती है। इसकी ग्रेविल देखें तो ग्रेविल भी काफ़ी बढ़िया है। आपको मैं दिखाया था कि 125 में दो वेरिएंट आती है, एक स्प्लिट सीट और नॉर्मल सीट। तो ये नॉर्मल सीट में जो है उसमें आपको ग्रेविल इस टाइप का दिखता है, लेकिन आप अगर स्प्लिट सीट लेते हैं तो आपकी स्प्लिट सीट में आपको ग्रेविल इस टाइप का दिखता है। ये देख सकते हैं, आपको स्प्लिट अगर लेंगे तो आपको ग्रेविल इस टाइप का मिलेगा, मतलब घुमावदार उसका टाइप का नहीं है। एक बढ़िया चीज़ की बात करती है इस पल्सर 125 में, ये देखती है इसका टायर, अगर ये काफ़ी नीचे तक है। देखिए बाकी गाड़ी के मुकाबले कोई भी गाड़ी में देखिए कि यहाँ तक आ जाती है 125 सीसी के सेगमेंट में। तो ये एक डिमेरिट होता है कि यहाँ से पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाती है, पूरा सेक्शन कीचड़ हो जाती है। तो पल्सर ने अच्छा कि इसको पूरा नीचे तक दिया है, गाड़ी अब गंदी नहीं होगी। और पीछे की बात करें तो ये देखिए कितने बढ़िया मस्कुलर टायर अगर दिया गया इसमें, ये देखिए ये काफ़ी चौड़ा दिया गया है। MT15 में आपको दिखाएं तो कितनी छोटी है, इसमें देखिए काफ़ी बड़ा अगर दिया गया आपको, तो दिखने में काफ़ी मस्कुलर लगती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।